तो विश्व योग दिवस की धूम विदेशों में भी देखने को मिली। यूएई की शारजा में भी योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां लोगों ने योग किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय वाणिज्य दूतावास से महावाणिज्य दूत सुनील कुमार भी मौजूद रहे। तो विदेशों में भी योग की धूम देखने को मिल रही है। शारजा में योग सप्ताह का आयोजन किया गया। कि हम भारत के लोग सिर्फ बात नहीं करते हैं, जरूरत पड़ने पर अपनी खून पसीना को एक कर देते हैं मानवता की रक्षा के लिए। इधर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में नरेंद्र मोदी से पूछे गए सवाल का जवाब तब मिल गया जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में प्रवेश से रोका गया। स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि देश में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन आम बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब देश में सर्वोच्च पदों पर बैठे लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है तो आम दलित और पिछड़ों के साथ क्या होता होगा समझना मुश्किल नहीं है। जिस तरीके से मानवाधिकार के जवाब देते देते माननीय प्रधानमंत्री थक गए, उनको कहना पड़ा कि भारत में जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता, और अभी एक हफ्ता भी उनका बयान नहीं हुआ कि कल राष्ट्रपति को इस जाति अपमान के कड़वे सच का सामना करना पड़ा। तो जिस भारत में राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए द्रौपदी मुर्मू को मंदिर में जाने के साथ भेदभाव के व्यवहार का सामना करना पड़ा, मंदिर में जाने से रोका गया, जाति अपमान का कड़वा सच उनके सामने आया, तो स्वाभाविक रूप से अमेरिका में कटघरे में खड़े किए गए प्रधानमंत्री जी का असली चेहरा खुल करके दुनिया के सामने आ गया। बढ़ेंगे अब आपको जगह जगह हादसों की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पहली तस्वीर जालौन से है जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। हादसे में ट्रक में फंसने से ड्राइवर की मौत हो गई जबकि क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे नोएडा की तस्वीरें हैं जहां पर एलिवेटेड रोड पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में कार सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। जबकि तीसरी जो तस्वीर है फिरोजाबाद से है जहां तेज रफ्तार कार ने एक सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए हैं। बहराइच में सरयू नदी में डूब रही महिला को युवकों ने बचाया। घास काट रही महिला की पैर फिसलने से हादसा हो गया। महिला के डूबने से वीडियो जो है वो वायरल हो गया है। सजौली थाना क्षेत्र के सरयू नदी की घटना बताई जा रही है। मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि महिला घास काट रही थी और अचानक से पैर फिसलने से नदी में डूब गई, जिसके बाद जो आसपास मौजूद लोग थे उन्होंने महिला को बचाया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।